31 जनवरी 2020 शुक्रवार को किसान सेवा सेना संगठन की स्थापना की घोषणा करता हूं। आज से नवयुवक किसान भाइयों का यह संगठन अस्तित्व में आकर प्रभावशील हो गया है। आप सभी को शुभकामनाएं व ढेर सारी बधाइयां। आप अपने उद्देश्य एवं लक्ष्य की प्राप्ति में असीम सफलताएं प्राप्त करें। हमारा आशीर्वाद आप सबको व समस्त किसान समुदाय को सदैव प्राप्त होता रहेगा। दीदी की ओर से भी आशीर्वाद हम लोगों को मिल गया है। आशीर्वाद ओम शांति। मंचासीन हमारे सभी माननीय अतिथिगण और अग्रवाल जी और आप सभी, क्या कहूँ, मेरे अति स्नेही भाई एवं बहने, ये बहुत ही सुंदर और खुशी का अवसर है कि जो आप सभी ने ऐसे संगठन का संकल्प किया और अभी जैसे सुना ये संगठन बनाने के लिए कितना समय लगा, 8 मास लगा और आगे कारोबार और पहल करने के लिए भी ऐसा ही समय लगेगा, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना है, एक होकर के आगे बढ़ते रहना है। तो मेरी ऐसे नव युवक युवा कृषक हितेशी भाई बहनों को, क्योंकि इसका नाम ही है किसान सेना सेवा सेना, सेना जहां युद्ध स्थल पे काम किया जाता है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए लेकिन उन समस्या मुश्किलों को पार करना होता है। तो ऐसे आप सभी नव युवक और साथ में आपके जो सभी सहयोगी, सभी को मेरी बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं और साथ में भी अवश्य कहूंगी कि बिना आध्यात्मिकता के आगे व्यक्ति नहीं बढ़ता है, तो आध्यात्मिक शक्ति अवश्य आप अपने अंदर कायम रखे। जैसे पहले हमारे जो पूर्वज थे वो क्या करते थे, धरती में भी पूजा करते थे, जब घर में अनाज आता था तो भी पूजा करते थे। तो मैं समझती हूँ ऐसे हम सभी सदा आध्यात्मिक रहे, धार्मिक तो ठीक है लेकिन आध्यात्मिक अर्थात हम अपनी उन्नति आंतरिक और स्थूल साकार में उस तरफ मुड़े, इसकी हमारी आप सब के प्रति बहुत बहुत शुभकामना है, पदम गुना बधाई है कि दिन दुनी चार चौगुनी आप ऐसी उन्नति करते रहे। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। दीदी, हम सब लोग आश्वस्त हैं, ये आपके आशीर्वाद के बाद कुछ बचता चाहिए। हमारी ये जो एक
आपसे ऊर्जा प्राप्त करके दिन दूनी रात चौगुनी जैसा आपने कहा अपनी तरक्की करेंगे और ये किसानों की सेवा में नंबर एक। मैं अगले साल बुलाऊंगा आपको फिर से, ये अगले साल जो है गांव गांव में आपका जो मुझे कार्य है वो संपन्न जब होगा तब आपको अति प्रसन्नता होगी। आपके आशीर्वाद के साथ मैं हमारे साथियों से निवेदन करूंगा कि वे झंडा का विमोचन हमारे मुख्य अतिथि और अध्यक्ष जी के द्वारा कराएं, झंडा लेकर के आए। भारतराज जी आप प्लीज झंडे का विमोचन करवाएं। और गाड़ी के लिए, आपके घर के लिए, आपके सब जगह लगाने के लिए झंडा आज विमोचित हो गया है। देखिए ये जो है सीधा कर ले, ये जो है दीदी, ये जो है 261 लोगों की लिस्ट है प्रिंटेड, और ये जो लिस्ट है कलेक्टर से लेकर के नीचे पटवारी तक ये लिस्ट दी जाएगी सारे विभागों में और सारी संस्थाओं में, और उनको ये कहा जाएगा कि भाई ये जो 261 लोग ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं किसान सेवा सेना के उद्देश्यों के तहत विधान नियम कार्यविधि कार्यक्रम दिशा निर्देशों एवं अनुशासन में पूर्ण आस्था रखते हुए उनका पालन करूंगा किसानों के हितों हकों स्वाभिमान एवं उनके सम्मान की रक्षा तथा उनके संघर्ष में निस्वार्थ सेवा हेतु दिशा निर्देश के तहत संगठन के सदस्य के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा लगन एवं ईमानदारी से करूंगा। मित्रों शपथ का वाचन मैं बाद में करूंगा, पहले ये जो यहाँ पर इन्होंने कुछ बातों का उल्लेख किया है सिर्फ दो लाइन है, सफाई को हाँ प्लास्टिक को ना, पत्रिका के आवाहन पर शपथ। अब ये शपथ प्रारंभ होती है, मैं शपथ लेता हूँ कि अपनी संस्था स्कूल कार्यालय प्रतिष्ठान घर या सार्वजनिक स्थल पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखूंगा दिन भर में किसी भी समय अपने गांव शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों और कर्तव्य के निर्वहन के कार्य करूंगा। द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।